Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is the sixth session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. The course code is MBF 705 and I am Usman bin Saif. What we learned in the last session, humne pichle session mein subprime mortgage crisis देखा था जैसा प्राइम मार्केट्स क्या होती हैं और उसमें क्राइसिस क्या होती है. यूएस बैंकिंग सिस्टम को हमने डिस्कस किया था उसकी एग्जांपल, और हमने यूएस बैंकिंग की सिस्टम की एग्जांपल इसलिए ली थी क्योंकि इट इज़ अ फार डेवलप्ड सिस्टम और उसके जो एक्टर्स और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स जो वहाँ यूज़ होते हैं वो अभी तक पाकिस्तान में यूज़ नहीं होते. हम पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को भी आगे लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम यूएस बैंकिंग सिस्टम को देख रहे थे. और लास्ट सेशन में हमने फिर जब उसी को दोबारा से हमने रिवाइज किया इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. आई ब्रॉट अ स्टोरी, ग्राफिक पिक्चर्स, जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि क्या सिचुएशंस थीं, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इन्वेस्टर्स ने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने क्या कहा, उनका क्या जवाब था, उन्होंने क्या कहा, हाउ दे वर कंसर्न्ड, और किस तरह से ये क्राइसिस जनरेट हुआ और क्राइसिस से इवेंचुअली बैंकिंग सिस्टम किस तरह कोलैप्स किया. फिर हमने एक टॉपिक और देखा था, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस, जो हम पहले भी एक दफ़ा देख चुके हैं, जिसमें हम देखे वर्ल्ड वाइड जो हैं वाइडली एक्सेप्टेड एंड नोन प्रिंसिपल्स जो हैं वो तीन हैं बैंकिंग रेगुलेशंस के लिए. लास्ट सेशन में उसे रिवाइज करने का मकसद यह था कि इस सेशन में अब हम इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे. अब हम बैंकिंग रेगुलेशन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस जो हैं डिस्कस करेंगे. एजेंडा फॉर दिस सेशन इज जनरल टाइप्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस. देयर आर 11 रेगुलेशंस, दैट 11 रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जो जनरली जो सेंट्रल बैंक है या स्टेट बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक है, वो इम्पोज करता है अपने बैंक्स के ऊपर. फिर उसके बाद हम प्राइवेसी रेगुलेशंस देखेंगे, वो क्या होती हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिस्ट रेगुलेशंस क्या होती हैं, कम्युनिटी रीइन्वेस्टमेंट रेगुलेशन क्या होती है, डिपॉजिट अकाउंट रेगुलेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, विड्रॉल लिमिट, रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक्स क्या हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन डिमांड डिपॉजिट्स, फिर लेंडिंग रेगुलेशंस में देखेंगे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डेट कलेक्शन, क्रेडिट कार्ड्स, लेंडिंग लिमिट्स, फिर सेंट्रल बैंकिंग के अलावा क्या रेगुलेशंस हैं, फिर रेगुलेशन ऑफ बैंक एफिलिएट्स एंड होल्डिंग कंपनीज. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी रेगुलेशंस जो हैं, ये फेडरल रिजर्व, स्टेट बैंक या किसी भी कंट्री का एक जो सेंट्रल बैंक होता है उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं. वो इन सारी रेगुलेशंस को इम्पोज भी कर सकता है, प्रैक्टिस भी कर सकता है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो स्टेट बैंक होता है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो बैंक को एक तो लाइसेंस दे, बैंक के ऑपरेशंस को मॉनिटर करे, और जहाँ कहीं उसको कोई चीज़ गलत लगे, फ्रॉडलेंट कोई एक्टिविटी लगे, उसको रोके, उसको सजेस्ट करे, रिक्वेस्ट करे. अगर वो ना वहाँ पे रुके बैंक, या अगर वो अपने ऑपरेशन को करेक्ट नहीं करता, तो वो सेंट्रल बैंक जो है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उस बैंक का लाइसेंस रिवोक कर ले और बैंक बंद कर दिया जाए. सो आज का सेशन जो है इट इज़ ऑन रेगुलेशंस, जनरल रेगुलेशंस वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड क्या हैं जो कि नॉर्मली सेंट्रल बैंक्स जो हैं प्रैक्टिस करते हैं.
फिर हम ये जितनी रेगुलेशंस हैं इसके साथ साथ, क्योंकि हम अपनी यूएस बैंकिंग इंडस्ट्री की ही एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मेरा यूएस बैंकिंग इंडस्ट्री को लेने का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को छोड़ देंगे। हम फर्दर सेशंस में स्टेट बैंक की डिटेल्ड गाइडलाइंस और रेगुलेशंस को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या रेगुलेशंस हैं, कब कब कौन से एक्ट्स इन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे, और थॉरली हम पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम देखेंगे। लेकिन अभी एक जर्नल लर्निंग, एक जर्नल नॉलेज डेवलप करने के लिए कि हाउ एन एडवांस्ड बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट्स, उसके लिए हम यहाँ पे फिलहाल जो रेगुलेशंस देख रहे हैं और जो लॉज पढ़ रहे हैं ये सारे यूएस बैंकिंग सिस्टम के हैं। तो आज भी जो हम रेगुलेशन देखेंगे ये हम फेडरल रिजर्व बैंक जो इम्पोज करता है उसी की फिर हम रेगुलेशंस के कोड हैं, रेगुलेशन नंबर्स हैं, वो भी उन्हीं के देखें, यूएस बैंकिंग सिस्टम के देखेंगे और उन्हीं का लॉ हम की एग्जांपल्स हम फॉलो करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। सबसे पहले तो हमने बात की टाइप्स ऑफ रेगुलेशंस, टाइप्स ऑफ रेगुलेशंस या टाइप्स ऑफ मेजर्स, डिसीजंस कौन से हैं जो स्टेट बैंक लेता है, ये फेडरल रिजर्व बैंक। बैंक्स इन वन फॉर्म और अनदर हैव बीन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ रेगुलेटरी प्रोविजंस। फेडरल रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक के पास ये सारी चीज़ों की 11 आइटम्स हैं, 11 आइटम्स की प्रोविजन होती है कि वो ये 11 काम कर सकता है। सबसे पहली ये कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन ब्रांचिंग एंड न्यू एंट्री। सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक या फेडरल रिजर्व बैंक जब तक लाइसेंस ना दे, इजाजत ना दे, कोई नया बैंक नहीं खुल सकता, ना वो कोई नई ब्रांच खोल सकता। रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइसिंग, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल एंड अदर कंट्रोल्स ऑफ प्राइसेस ऑफ फीस, इसके ऊपर भी चेक जो है सेंट्रल बैंक ने रखा होता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होंगे बैंक्स के, कितने उसको एक वो ब्रैकेट दे देता है कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम इतना हो सकता है, या यूजुअली वो काइबोर पे या लाइबोर पे ट्रेड करते हैं। फिर बैंकिंग फीस जो है वो कितनी, किस चीज़ पे फी चार्ज कर सकता है, उससे ज़्यादा फी नहीं चार्ज कर सकता। लाइन ऑफ बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस ऑफ ओनरशिप लिंकेजेस अमंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसी तरह बैंक्स की ओनरशिप्स जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिट करना, बैंक्स के आपस में अगर दो बैंक्स मर्जर करना चाहते हैं, एक बैंक दूसरे को खरीदना चाहता है, जब तक स्टेट बैंक अलाउ ना करे या फेडरल रिजर्व अलाउ ना करे वो नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स दैट बैंक कैन होल्ड, बैंक कौन कौन से एसेट्स जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके पोर्टफोलियो में क्या क्या कुछ हो सकता है, इस पे भी सेंट्रल बैंक जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। सच एज रिक्वायरमेंट टू होल्ड सर्टन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज और रिक्वायरमेंट और नॉट टू होल्ड सर्टन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, कि वो ये इस किस किस्म की सिक्योरिटीज़ खरीद सकता है, रख सकता है, इस किस्म की नहीं रख सकता, या इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स नॉट टू होल्ड कंट्रोल ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, इंक्लूडिंग क्या कि नॉन फाइनेंशियल कंपनी की रिक्वायरमेंट्स भी वो स्टेट बैंक उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी ओन कर सकता है कोई बैंक या नहीं कर सकता। ये सारी रेगुलेशंस जो हैं सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक प्रैक्टिस करता है, ये उसके पास सारी प्रोविजंस होती हैं। कंपल्सरी डिपॉजिट इंश्योरेंस, इसे CDI भी कहते हैं, कंपल्सरी डिपॉजिट इंश्योरेंस, और इनफॉर्मल डिपॉजिट इंश्योरेंस इन फॉर्म ऑफ एन एक्सपेक्टेशन दैट गवर्नमेंट विल बेल आउट डिपॉजिटर्स इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक एक और उसके पास प्रोविजन है, वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है बैंक के ऊपर, ये नॉर्मली लगाता है कि जितने डिपॉजिट्स होंगे, मैं कस्टमर हूँ, मैंने बैंक के पास पैसे जमा करा 10 लाख के, हम यूजुअली उसी एग्जांपल को बार बार हम उसका जिक्र कर रहे हैं कि मैं कस्टमर हूँ, मैंने 10 लाख रुपए बैंक के पास जमा करा, बैंक के लिए ज़रूरी है कि उस पैसे की वो इंश्योरेंस कराए, ताकि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी अगर आपको बैंक बंद करना पड़ जाए तो मुझे पैसे कहाँ से आप देंगे, अगर आपके पास पैसे हैं एसेट्स बेच के देंगे, नहीं है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी देगी। या
इन वर्स्ट केसेस ये कि फिर गवर्नमेंट जो है पैसे देगी। कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट ये भी मेंटेन करना ज़रूरी है, कितने पैसे आप डिपॉजिट जो है वो आप वॉल्ट में रखेंगे, कितने आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट्स टू होल्ड अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक के भी सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द लाइबिलिटीज की लाइबिलिटीज जो है वो भी इंडिविजुअल बैंक जो है वो होल्ड करेगा। सेंट्रल बैंक को पैसे चाहिए होंगे तो, या सेंट्रल बैंक को पैसे चाहिए हो तो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक को पैसे चाहिए हो तो वो क्या करेगा, वो या तो पैसे नए प्रिंट करेगा, नया प्रिंट नहीं करेगा तो बैंक से लेगा। रिक्वायरमेंट्स टू डायरेक्ट क्रेडिट टू फेवर्ड सेक्टर्स और एंटरप्राइजेस, हमने सेकेंड और फर्स्ट सेशन में ये बात हमने लर्न की थी। सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, फेडरल रिजर्व का एक ये भी रोल है कि वो बेसिकली सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक क्या है, रेगुलेटर है अदर देन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी रेगुलेटर है। गवर्नमेंट रेगुलेशन बैंक्स के ऊपर कैसे इम्पोज करती है, ये बैंक्स को कैसे रेगुलेट करती है, थ्रू द सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक। अब गवर्नमेंट का मैंडेट क्या है, गवर्नमेंट का मैंडेट है कि इकोनॉमी स्टेबल हो, स्ट्रांग हो। गवर्नमेंट जो है किसी सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है, हमने पहले भी एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि गवर्नमेंट अगर प्रमोट करना चाहती है एग्रीकल्चर सेक्टर को, कॉटन्स को, गवर्नमेंट का ख्याल है कि कॉटन सेक्टर जो है हमारा बड़ा स्ट्रांग पोटेंशियल सेक्टर है और उसमें इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं, लोग कम कॉटन उगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट स्टेट बैंक को करेगी, स्टेट बैंक को डायरेक्शन देगी, और स्टेट बैंक क्या करेगा कंज्यूमर बैंक्स को, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को डायरेक्शन देगा कि वो बैंक्स को डायरेक्शन देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन्स दिए जाएं और कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स दिए जाएं। कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाएगा, लोन की रिक्वायरमेंट्स लोअर की जाएंगी तो क्या होगा, उस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उस सेक्टर में, ज़्यादा लोग कॉटन उगाएंगे, ज़्यादा लोगों की रीच में आ जाएगा कि वो कॉटन सीड खरीद सकें और पेस्टिसाइड्स खरीद सकें और कॉटन उगाएं, ज़्यादा कॉटन की प्रोडक्शन होगी, कॉटन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो कॉटन एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो कंट्री को फ़ायदा होगा, आपकी इकोनॉमी और ज़्यादा स्टेबल होगी। जो है सेंट्रल बैंक उसके पास ये प्रोविजन होती है कि वो बैंक्स को डायरेक्ट कर सके कि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर या किसी एंटरप्राइज को फेवर कर सके। नाउ एक्सपेक्टेशंस दैट इन इवेंट ऑफ डिफिकल्टी बैंक्स विल रिसीव असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। स्टेट बैंक के पास ये प्रोविजन होती है सेंट्रल बैंक के पास कि किसी कोई बैंक अगर किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में फंस गया और वो सेंट्रल बैंक उसे बेल आउट करना चाहता है तो वो उस बैंक को क्या करे, असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, वो उसको उधार दे सकता है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जा सकती है ताकि वो बैंक बंद ना हो, बैंक इंसॉल्वेंट ना हो। स्पेशल रूल्स कंसर्निंग मर्जर्स नॉट ऑलवेज सब्जेक्ट टू अ कंपटीशन स्टैंडर्ड और फेलिंग बैंक्स फॉर एग्जाम्पल लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, इंसॉल्वेंसी, कंपोजिशन और एनालॉगस प्रोसीडिंग्स इन बैंकिंग सेक्टर। स्टेट बैंक, तमाम बैंक्स का क्या होता है, रेगुलेटर होता है, सुपरवाइजर होता है। विदाउट सुपरवाइजर्स परमिशन क्या बैंक्स आपस में मर्जर्स कर सकते हैं या एक दूसरे को खरीद सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक वो ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है जो कि जिसने तमाम बैंक्स को रेगुलेट करना है, तमाम मार्केट डिसिप्लिन को बेसिकली उसने
मार्केट डिसिप्लिन का ख्याल रखना है। अगर हर बैंक अपनी मर्जी करने लग जाए तो क्या होगा, जिस तरह का अब हमने देखा था बैंकिंग क्राइसिस में, वो उसी तरह की सिचुएशन हो जाएगी दोबारा, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जो सेंट्रल बैंक होता है वो स्पेशल रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है और इम्पोज करता है मर्जर्स के लिए और फेलिंग बैंक्स के लिए। फेलिंग बैंक्स वो होते हैं जो कि लिक्विडेट होने वाले हों, जो बंद कर रहे हैं, वाइंडिंग अप कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस, या इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में, या एनालॉगस प्रोसीडिंग्स इन द बैंकिंग सेक्टर, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो इन तमाम सिचुएशंस के लिए, कोई अनफॉर्सिन सिचुएशन इवेंट हो जाए, इन तमाम के लिए स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होता है वो बनाता है और उन्हें इम्पोज करता है। इसके अलावा क्या करते हैं, अदर रूल्स अफेक्टिंग कॉपरेशन विद इन द बैंकिंग सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट सिस्टम्स। पेमेंट्स को भी सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है विद इन द बैंक, इंटर बैंक पेमेंट्स को। स्टेट बैंक रेगुलेशन बनाता है, रेगुलेशन देता है, उनको डायरेक्शन देता है कि आप बैंक्स ने आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कैसे करना है, कॉपरेट कैसे करना है, पेमेंट्स का मोड क्या होगा, पेमेंट एक दूसरे से कैसे करेंगे, अगर एक से उधार ले रहा है उसको वापस कर रहा है, इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें किस तरह से कोऑर्डिनेट होंगी। ये 11 हमने क्या पढ़ी, रेगुलेशंस देखी थी जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टाइप्स ऑफ रेगुलेशंस हैं फॉर अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास ये 11 प्रोविजंस होती हैं इन ऑर्डर टू रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। हर कंट्री का बैंकिंग सिस्टम डिफरेंट होता है। पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ, इसके डायनेमिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम दैट ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक जो है वहाँ पे अमेरिका का, इसी तरह यूके के बैंक्स हैं, इसी तरह और कंट्रीज के बैंक्स हैं। हर कंट्री की अपनी रेगुलेशंस है, अपनी सुपरविजन है सेंट्रल बैंक्स की, लेकिन रेगुलेशन प्रोविजंस हैं वो सारी ये सेम रहती हैं। ये उसकी जरिस्डिक्शन है सेंट्रल बैंक की, इन्हीं के अंदर रह के उसने रेगुलेट करना है इन सबको, बैंक्स को रेगुलेट करना है। प्लस इसके अलावा और कौन सी रेगुलेशंस हैं जो कि सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज करता, नाउ लेट्स सी देम। सबसे पहली है प्राइवेसी रेगुलेशन। रेगुलेशन पी गवर्न्स, ये अमेरिका का जो है फेडरल रिजर्व बैंक, उसका जो बैंकिंग एक्ट है, उसकी जो गाइडलाइंस हैं, उसमें रेगुलेशन पी जो है वो क्या कहती है, गवर्न्स द यूज ऑफ अ कस्टमर्स प्राइवेट डाटा, यूज ऑफ कस्टमर्स प्राइवेट डाटा, प्राइवेसी कस्टमर्स की, कस्टमर का प्राइवेट डाटा में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। प्राइवेट डाटा की अगर हम बात करते हैं तो उसकी सबसे पहले तो बैंक के पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बैंक के पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बैंक के पास उसकी अवेलेबल है एड्रेस है, नाम है उसका, नेशनल आईडी कार्ड नंबर है, नेशनल सिक्योरिटी नंबर है, फिर उसके पास और उसकी फैमिली की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर उसके पास और बैंक के पास कौन सा डाटा एक्युमुलेट होता है, उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहाँ से आए पैसे, कब आए, कहाँ कहाँ वो शॉपिंग करता है, किस किस शॉप पे करता है, क्या परचेज करता है, कितने की परचेज करता है, कहाँ कहाँ पेमेंट्स हो रही हैं, कौन कौन से उसके यूटिलिटी बिल्स पे होते हैं, ये सारा का सारा उसका प्राइवेट डाटा है जो कि बैंक्स के पास अवेलेबल होता है और डाटा एक्युमुलेट होता रहता है। Banks and other financial institutions must inform a consumer of their policy regarding personal information. Banks के लिए, financial institutions के लिए ये mandatory है, must है कि वो customer को बताएं कि उनकी privacy policy क्या है, क्या वो consumer का data या customer का data use करेंगे किसी मकसद के लिए, कौन से मकसद हो सकते हैं जिसके लिए यूज करें।
बैंक, अगर हम एक दो एग्जांपल्स देखें तो हम देख सकते हैं कि बैंक वो डेटा इस्तेमाल कर सकता है डिफरेंट प्रमोशंस के लिए। अगर वो बैंक देखता है कि वो हर महीने एक गाड़ी खरीदता है, फलानी कंपनी से खरीदता है और फिर सेल कर देता है, तो बैंक उसको दे सकता है, लोन ऑफर कर सकता है कि तुम एक गाड़ी खरीदते हो तो तुम दो खरीद लो, दो खरीद के तुम बेचते हो हमें, तुम इंटरेस्ट में लोन ले लो तो तुम्हें जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें हमें भी इंटरेस्ट है, तो बैंक का फ़ायदा भी है। इसी तरह और चीज़ें हैं कि बैंक जो है अगर देखता है कि उसका डेटा, उसका एनालाइज करता है कि हर महीने वो इतना उसको ओवरड्राफ्ट लिमिट चाहिए, वो उतने ओवरड्राफ्ट के ऊपर उसे इंटरेस्ट पे करता है, तो वो कहता है कि बैंक उसे ऑफर करता है कि तुम हर महीने जो इतना इंटरेस्ट दे के ओवरड्राफ्ट तुम कंज्यूम करते हो तो तुम ऐसे क्यों नहीं करते, हम तुम्हें फिक्स्ड ओवरड्राफ्ट दे देते हैं और ये फिक्स्ड रेट है, तुम यूज़ करो ना करो तुम इंटरेस्ट हमें उस पे करोगे, लेकिन तुम्हारे पास जो है फिक्स्ड एक इंटरेस्ट रेट के ऊपर तुम्हारे पास एक फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होगी, रादर देन के तुम डेली फ्लोटिंग रेट के ऊपर और तुम वो इंटरेस्ट लेते हो और तुम्हें उसमें महंगा भी पड़ता है, और वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में वो डेटा इंफॉर्मेशन कंज्यूमर की यूज़ हो सकती है और प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में और वो। सो बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ज़रूरी है कि वो कस्टमर्स को पहले बताएं कि उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी, और बैंक्स उनको ये ऑप्शन दें कि अगर वो इन्फॉर्म चाहते हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल हो या ना हो। फिर अगर आप पहले कस्टमर को बता देंगे और वो नहीं चाहता उसकी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल हो, तो वो ऐसा भी कर सकता है, वो कहता है ठीक है मैं बैंक में अकाउंट ही नहीं खोलता है, मैं बैंक के साथ करता ही नहीं काम। बिफोर डिस्क्लोजिंग डेटा टू अ नॉन एफिलिएटेड थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी क्या होती है? थर्ड पार्टी होती है कि एक तो कस्टमर है, कंज्यूमर है, एक बैंक है, बैंक इज़ द सेकेंड पार्टी। अब बैंक सेकेंड पार्टी क्या करती है, वो डाटा बेच देती है या शेयर कर लेती है एक थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी ये भी हो सकती है कि एक मोबाइल कंपनी है, हर महीने वो देख आप थर्ड पार्टी के साथ डाटा कैसे शेयर होता है कि वो उसने आपका कंज्यूमर का जो डाटा है वो थर्ड पार्टी एक मोबाइल कंपनी के साथ शेयर किया, मोबाइल कंपनी उस डाटा में से देखती है कि आप हर महीने मोबाइल का बिल पे करते हैं, 2,000 रुपया मोबाइल का बिल पे करते हैं। अब वो 2,000 रुपया आप हर महीने किसी एक कंपनी का, जैसे आप यू फोन का बिल पे कर रहे हैं, अब वो जो थर्ड पार्टी है टेलेनॉर है, वो कहती है उस कस्टमर को ऑफर करती है कि हमने आपका डाटा एनालाइज किया है, आप हर महीने 2,000 रुपये यूफोन को देते हैं और 2,000 के अगेंस्ट यूफोन आपको ये सर्विसेज देता है, तो हम आपसे 1,500 रुपया हर महीने चार्ज करेंगे, हम आपको उससे ज़्यादा ये सर्विसेज और इतने फ्री मिनट्स आपको ऑफर करते हैं। सो थर्ड पार्टी इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन और डाटा यूज़ कर सकती है। और ये 1999 में ये रेगुलेशन जो थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी। उसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म रेगुलेशन, आफ्टर 9/11 एंड आफ्टर इनफैक्ट 2000, ये 2000 ये मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म और इस तरह के बहुत सारे चीज़ें जो थी जो कि विच वर अननोन इन द पास्ट, दे केम इन टू एक्ट, और उसके बाद इनके ऊपर भी रेगुलेशंस, जैसे जैसे ये चीज़ें इमर्ज करती गई, इनकी रेगुलेशंस बनती गईं और साथ साथ रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट होती गईं। द बैंक सीक्रेसी एक्ट BSA रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू असिस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पुलिस है और सेंट्रल बैंक है, तो इन सब पे सेंट्रल बैंक ये रेगुलेशन लगाता है कि आप ये जो आपकी डेटा है, बैंकिंग इंफॉर्मेशन है इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की और बैंक्स की, ये आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को हम रोका जा सके, और इन जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनको हम फैसिलिटेट कर सकें।
इन्होंने लॉ में एक रेगुलेशन डाल के एक प्रोविजन रख दी, स्पेसिफिकली द एक्ट रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू कीप रिकॉर्ड ऑफ कैश परचेजेस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। एक तो सिक्योरिटी जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी कैश परचेजेस, फाइल रिपोर्ट्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 10,000 डेली, $10,000 डेली, एंड टू रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी दैट माइट सिग्निफाई मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेशन और अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज। प्लस ना सिर्फ ये कि उनका डाटा मेंटेन करते हैं, उनका डाटा शेयर करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, प्लस अगर बैंक देखे कि अगर उसके डेली ट्रांजैक्शन $10,000 से ज़्यादा हो रही है या और कोई उसमें उसको सस्पिशियस चीज़ नज़र आए कि उसको कोई भी क्रिमिनल एलिमेंट नज़र आए, तो वो गवर्नमेंट एजेंसीज को इन्फॉर्म करे। फिर एक और चीज़ है कम्युनिटी री इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन। फेडरल रिजर्व बैंक इम्पोज करता है कम्युनिटी री इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन। कम्युनिटी री इन्वेस्टमेंट एक्ट ऑफ 1977 में ये एक्ट बना था, विच रिक्वायर्ड इंश्योर डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस टू री इन्वेस्ट इन द कम्युनिटीज दे सर्व, कि उन्होंने बैंक्स के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये मैंडेटरी कर दिया कि जिस टेरिटरी या जिस सिटी में जहां वो बैंक है उसी सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट्स भी करें, उसी वहीं के लोगों को कम्युनिटी को वहीं पे री इन्वेस्टमेंट करके उनको कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाया जाए, रादर दैन एक बैंक है जो लाहौर में ऑपरेट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट सारी अपनी कराची में करे, वो रादर दैन लाहौर के जो हैं लोगों को लोन क्यों ना दे, लाहौर में इन्वेस्टमेंट क्यों ना करे ताकि लाहौर के लोगों को फ़ायदा हो। फिर फर्दर ये कम्युनिटी री इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन ये भी कहती है कि ना सिर्फ ये कि उस टेरिटरी या उस एरिया में इन्वेस्ट किया जाए, फिर स्पेसिफिकली उस एरिया में भी लो इनकम इंडिविजुअल्स जिनकी तनख्वाह कम है या लो इनकम एरियाज जो हैं वहाँ पे ज़्यादा उसको टारगेट किया जाए, वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि कम्युनिटी को फ़ायदा हो, कम्युनिटी फैसिलिटेट हो और जो है एज अ होल जो वो है एरिया है सिस्टम है जो वो ग्रो कर सके। इंश्योर्ड डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस मस्ट डिस्प्ले अ CRN नोटिस, कम्युनिटी री इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट नोटिस, एंड ईच ब्रांच मस्ट हैव अ करंट CRA पब्लिक फाइल और एक्सेस टू इट वाया द कंपनीज इंटरनेट एंड मस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन पर्सन और बाय मेल। फिर क्या किया, रेगुलेटरी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक, उसने ये भी मस्ट कर दिया तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस के लिए, बैंक्स के लिए कि वो CRA नोटिस ज़रूर अपने बैंक में लगाएं जो लोग देख सकें और वो फाइल करें क्या वाया द कंपनी या तो इंटरनेट पे ईमेल के थ्रू या मेल के थ्रू या पर्सनली इन्फॉर्म करें लोगों को कि CRA फैसिलिटी अवेलेबल है उस एरिया में और लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसा भी देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि बैंक्स के पास CRA फैसिलिटी हो लेकिन वो उस एरिया में इन्वेस्ट ना लोगों को पता ही ना हो, तो इसके लिए इसलिए बैंक ने रेगुलेटर ने ये मैंडेटरी कर दिया कि जी वो CRA नोटिस भी लगाएंगे ताकि लोगों को पता चले इस एरिया में CRA अवेलेबल है। डिपॉजिट अकाउंट रेगुलेशंस, डिपॉजिट अकाउंट के लिए कौन कौन सी रेगुलेशंस जरूरी हैं, सबसे पहले तो डिपॉजिट इंश्योरेंस है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, विदड्रॉ लिमिट एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट है, इंटरेस्ट ऑन डिमांड डिपॉजिट्स, ये चार क्या हैं डिपॉजिट अकाउंट रेगुलेशंस हैं इम्पोज बाय द सेंट्रल बैंक, द फेडरल रिजर्व बैंक और द स्टेट बैंक। सबसे पहले है डिपॉजिट इंश्योरेंस। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होती है, हमने पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं इसे। द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज द सेकेंड कंट्री आफ्टर चेकोस्लोवाकिया टू ऑफिशियली अनेक्ट डिपॉजिट इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स फ्रॉम लॉसेस बाय इंसॉल्वेंट बैंक्स।
अमेरिका यूएसए जो है वो दूसरा दुनिया का मुल्क था जिसने डिपॉजिट इंश्योरेंस मैंडेटरी की मस्ट की आफ्टर चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया वो था जिसने पहले पहला ये काम किया। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होती है कि हम दोबारा वही एग्जांपल देखते हैं, मैं कस्टमर हूँ, आप बैंक है, मैं बैंक के पास पैसे डिपॉजिट कराता हूँ, बैंक ने वो पैसे इंश्योर कराए हुए इंश्योरेंस कंपनी से, सो दैट इन केस बैंक बंद हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो मेरे पैसे ना डूबे, कस्टमर को पैसे वापस मिले, इंश्योरेंस कंपनी पे करे। दिस इज व्हाट अ डिपॉजिट इंश्योरेंस इज। इन 1933 ग्लास स्टीगल एक्ट जो था उसने उसकी वजह से एक कॉरपोरेशन बनाएगी एफडीआईसी, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जिसका नाम था, जिसका जॉब जिसका मैंडेट ये था कि डिपॉजिट्स को इंश्योर किया जाए, जितने कमर्शियल बैंक्स हैं उनके जितने डिपॉजिट्स हैं उनको इंश्योर किया जाए ताकि कस्टमर का नुकसान ना हो। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, द ट्रूथ इन सेविंग एक्ट टीसा इंप्लीमेंटेड बाय रेगुलेशन डीडी, जो बैंकिंग एक्ट है, जो बैंकिंग रेगुलेशन है यूएसए की, फेडरल रिजर्व बैंक की, उसका रेगुलेशन डी डी डेल्टा डेल्टा, एस्टैब्लिश यूनिफॉर्मिटी इन डिस्क्लोजिंग टर्म एंड कंडीशंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड फीस व्हेन गिविंग आउट इंफॉर्मेशन और व्हेन ओपनिंग अ न्यू सेविंग्स अकाउंट। एक उन्होंने एक्ट उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, डेवलप किया ट्रूथ इन सेविंग्स एक्ट टीसा के नाम से, और रेगुलेशन डी डी के कंज्यूमर को ये हक हासिल है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक तमाम इंफॉर्मेशन टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके अलावा इंटरेस्ट फीस हर किस्म की इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करे बिफोर ओपनिंग द अकाउंट और बिफोर गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। ये क्यों किया गया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कस्टमर, ताकि कस्टमर को पता हो मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, मैंने बैंक से लोन ले लिया, 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, अब मैंने वो लोन पेमेंट्स में वापस करना है, 10 महीने में मैंने वापस करना है, हर महीने 10,000 रुपये पेमेंट करनी है, प्लस मैंने हर महीने 2,000 रुपये इंटरेस्ट देना है, 12,000 की पेमेंट है। अब क्या होता है, 1 महीने मैंने बैंक्स जो होते हैं नॉर्मली उनकी पेमेंट्स आपको फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मंथ में आपने पेमेंट करनी होती है, मैं 5th डे तक पेमेंट नहीं कर सका, मैं 9th या 10th डे पे पेमेंट करने बैंक गया, तो बैंक ने कहा कि जी आपने 12,000 आपकी पेमेंट है, प्लस आपको 1,000 रुपये पेनल्टी है, प्लस 1,000 प्रोसेसिंग चार्जेस है, तो आप 14,000 पे करें। एंड मैं परेशान होता हूँ, कहता हूँ यार मैं कस्टमर हूँ, मैं परेशान होता हूँ कि ये क्या बात हुई भाई, आपने कब मुझे कहा बताया था आपने कोई मुझे कि ये मुझे 2,000 रुपये ऊपर देने पड़ेंगे अगर मैं टाइम पेमेंट नहीं करूँगा। तो बैंक कहेगा नहीं जी ये तो 2,000 रुपये बनते हैं आपको देने पड़ेंगे। इसी वजह से रेगुलेटरी जो बैंक है, स्टेट बैंक है, फेडरल रिजर्व है, सेंट्रल बैंक, उसने एक रेगुलेशन बना दी कि आप हर चीज़ को पहले डिस्क्लोज करेंगे और सच ट्रूथ बताएंगे और पहले डिस्क्लोज कर देंगे, कस्टमर को लोन देने से पहले बताएंगे कि ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो इतनी फीस है, आप ऐसे करेंगे तो ये होगा और इसकी इतनी फीस है, ये आपको नुकसान होगा, ये पेनल्टीज हैं, ये आप अकाउंट खोलेंगे तो आप अकाउंट को अगर आप मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये, आप 5,000 रुपये में नहीं मेंटेन करेंगे तो पर डे आपको इतने चार्जेस पड़ेंगे, आपको इंटरेस्ट इतना मिलेगा, ये सारी बातें पहले डिस्क्लोज करनी है। नाउ ऑन पासिंग द लॉ इन 1991 टीसा जो है, कांग्रेस नोटेड इट वुड हेल्प प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंपिटिशन बिटवीन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस एंड अलाउ द कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। वेरी ट्रू। 1991 में जब ये कांग्रेस ने लॉ पास किया तो कांग्रेस में इट वॉज रियलाइज कि जी ये तो हम यूएसए में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा, वो इस वजह से कि कस्टमर हूँ, मुझे मैं इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकूँगा, मैं देख सकूँगा कि एक बैंक मुझे ये ऑफर करता है उसकी
ये स्ट्रक्चर है, ये पेनल्टीज होंगी, ये होगा, दूसरा बैंक ये ऑफर करता, जो जिसकी ऑफर बेहतर होगी मैं उसी बैंक के पास जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, एक तो कंपटीशन भी बढ़ेगा डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस में, कस्टमर्स जो हैं उनकी प्रोटेक्शन भी होगी, और मैं एक बेहतर एज बीइंग अ कस्टमर एक बेहतर डिसीजन भी ले सकूंगा। नाउ विड्रॉल लिमिट एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट एस्टैब्लिशेस रिजर्व रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस। सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस इशू करता है, गाइडलाइंस बैंक्स को देता है, बैंक्स उसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसे ओबे करते हैं कि जी कितने मिनिमम रिजर्व की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। रेगुलेट सर्टन अर्ली विड्रॉवल्स फ्रॉम सर्टिफिकेट डिपॉजिट अकाउंट्स, सीडी जो अकाउंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, उनको एक तो अर्ली उनका विड्रॉल जो है वो उसको रेगुलेट करता है। वो कैसे रेगुलेट करता है कि मैंने फिक्स टर्म के लिए पैसे बैंक में रखे थे, एक सर्टिफिकेट फिक्स टर्म मैंने सर्टिफिकेट लिया सर डिपॉजिट का कि मैंने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए है 1 साल के लिए, मैं 1 साल के बाद वो पैसे निकाल सकूंगा और 1 साल पे मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर मैं 1 साल से पहले वो पैसे निकालूंगा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। डिफाइंस व्हाट क्वालिफाइज अ डीडीए और नाउ अकाउंट्स, सी रेगुलेशन क्यू फॉर एलिजिबिलिटी रूल्स फॉर इंटरेस्ट बेयरिंग चेकिंग अकाउंट्स। रेगुलेशन क्यू है जो कि इंटरेस्ट बेयरिंग चेकिंग अकाउंट्स के लिए बनाई गई। डिफाइंस लिमिटेशन ऑन सर्टेन विड्रॉल्स ऑन सेविंग्स एंड मनी मार्केट अकाउंट्स। क्या है, यही रेगुलेशन ये भी डिफाइन करती है, लिमिट करती है विड्रॉल को सेविंग्स और मनी चेक मार्केट अकाउंट्स में। अनलिमिटेड ट्रांसफर्स ऑफ विड्रॉल्स इफ मेड इन पर्सन बाय एटीएम, बाय मेल और बाय मैसेंजर। डेली की उन्होंने ट्रांजेक्शन लिमिट लगा दी कि एक शख्स डेली एटीएम से मैक्सिमम 20,000 विड्रॉ कर सकता है, या अगर उसी बैंक की एटीएम से विड्रॉ करेगा तो मैक्सिमम इज 25, या अगर आप अपनी लिमिट एनहेंस करा लें तो मैक्सिमम इज 100,000। अब 1 लाख रुपए तक अस्करी बैंक के किसी बैंक में भी जाए, वहां से अकाउंट से पैसे निकाल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से निकाल सकते हैं आप। ये पाकिस्तान में स्टेट बैंक की रेगुलेशन है कि लिमिट कर दिया, उसका फायदा ये हुआ बैंक्स को फायदा हुआ, उसका फायदा मुझे ये हुआ कि इन केस मेरा एटीएम कार्ड गुम हो जाता है या कुछ, तो अगर कोई मेरे अकाउंट से गलत तरीके से पैसे निकाल लेता है तो एक तो नुकसान कम हुआ और नुकसान फिर इंश्योर्ड है। दूसरी बात ये कि बैंक्स के लिए डिपॉजिट्स जो हैं, अगर मेरे पास लिमिट ना हो चेक के थ्रू, तो मैं एनी टाइम बैंक से जाके इन पर्सन जाके कुछ भी जितने मर्जी मैं विड्रॉ कर लूं, लेकिन एटीएम्स और उनसे जो हैं डिपॉजिट मशीन्स जो हैं उनसे अगर मैं एक वक्त में 10 लाख रुपए निकालना शुरू कर दूं तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द बैंक टू मेंटेन इट। इन ऑल अदर इंस्टेंसेस देर इज अ लिमिट ऑफ 6 ट्रांसफर्स और विड्रॉल्स, नो मोर देन 3 ऑफ दीज ट्रांजेक्शन मे बी मेड पेबल टू अ थर्ड पार्टी बाय चेक ड्राफ्ट पॉइंट ऑफ सेल। ये वहाँ अमेरिका में ये सारी रेगुलेशंस हैं कि आप एक वक्त में इकट्ठी 3 6 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा नहीं कर सकते, और उसमें से 3 ट्रांजेक्शन जो हैं वो बाय चेक ड्राफ्ट या पॉइंट ऑफ सेल से ज़्यादा ये नहीं हो सकती। सम बैंक्स विल चार्ज अ फी विद एक्सेस ट्रांजेक्शन, जितने आप एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते जाएँ तो बैंक्स, कुछ बैंक्स हैं जो कि उस पर फी भी चार्ज करते हैं। सम बैंक्स मस्ट क्लोज अकाउंट्स वेयर दिस ट्रांजेक्शन लिमिट इज कॉन्स्टेंटली एक्सीडेड, और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली एक्सीड कर रही है उसको वो बैंक अकाउंट्स भी क्लोज कर देते हैं। तो ये सारी रेगुलेशंस हैं बैंक सेंट्रल बैंक की ऑन द अदर बैंक्स, कंज्यूमर बैंक्स के ऊपर और द डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, डिपॉजिटरी बैंक्स। इंटरेस्ट और डिमांड डिपॉजिट हमने पहले भी देखा, इन अंटिल 2011 रेगुलेशन क्यू प्रोहिबिटेड बैंक्स फ्रॉम पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स। अ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट इंक्लूड्स मैनी बट नॉट ऑल चेकिंग अकाउंट्स एंड डज नॉट इंक्लूड निगोशियबल ऑर्डर ऑफ विड्रॉल अकाउंट्स। नाउ जैसे हम कहते हैं नाउ अकाउंट्स कौन से होते हैं, निगोशियबल ऑर्डर ऑफ विड्रॉल अकाउंट्स होते हैं। देर आर इट इज अ टाइप ऑफ वन ऑफ द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स, जिसमें आप क्या कहते हैं अपने निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप जो है
अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट कौन सा होता है जिसमें एज एंड व्हेन डिमांडेड आप उसके ऊपर उसमें डिपॉजिट कराते हैं और विड्रॉल कराते हैं, तो उसमें उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लग देने से। पहले उसमें इंटरेस्ट होता था 2011 में जब रेगुलेशन क्यू आई, तो उसने रेगुलेशन ने प्रोहिबिट कर दिया कि जी उसके ऊपर अब इंटरेस्ट नहीं होगा। देन लेंडिंग रेगुलेशंस, लेंडिंग अभी पहले हमने डिपॉजिटरी रेगुलेशंस देखी थी सेंट्रल बैंक की ऑन द डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। अब लेंडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक्स इसमें आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स पे कौन कौन सी जो है रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, सबसे पहले तो हमने पहले भी देखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गेज लोन भी देता है, उसके लिए फिर एक मॉर्गेज एक्ट बनाया गया, हाउ मॉर्गेज डिस्क्लोजर एक्ट 1975 का इम्प्लीमेंटेड बाय रेगुलेशन सी रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मेंटेन एंड एनुअली डिस्क्लोज डेटा अबाउट होम परचेजेस, होम परचेज प्री अप्रूवल्स, होम इम्प्रूवमेंट, रीफाइनेंस एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग 1 to 4 यूनिट एंड मल्टी फैमिली ड्वेलिंग्स। इट ऑल्सो रिक्वायर्स ब्रांचेज एंड लोन सेंटर्स टू डिस्प्ले HMDA पोस्टर। पहले क्या था, CRA का पोस्टर उन्होंने बैंक्स में लगाना मैंडेटरी था, इसी तरह HMDA, HMDA स्टैंड्स फॉर होम मॉर्गेज डिस्क्लोजर एक्ट, के रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मेंटेन एंड एनुअली डिस्क्लोज डेटा अबाउट होम परचेजेस, के कितने उस एरिया में घर खरीदे गए, कितने घरों की जो परचेज अप्रूवल्स हुई, कितनी होम इम्प्रूवमेंट हुई, कितनी रीफाइनेंस एप्लीकेशंस हुई, इसका क्या फायदा होगा? लोगों को बताने से बैंक को क्या फायदा होगा कि जी इस एरिया में जहां हम लोन दे रहे हैं इतने, उसका बैंक को फायदा होगा, बैंक की इतनी रेटिंग बढ़ेगी, लोगों को ट्रस्ट ज्यादा होगा बैंक पे, इन्वेस्टमेंट बैंक पे कि भाई ये बैंक है, इसने पिछले साल इतने लोगों ने इस बैंक से लोन लिया और घर खरीदा, मॉर्गेज ली। जितनी ज़्यादा मॉर्गेज लोग लेंगे उस बैंक से उसका मतलब है बैंक की रेटिंग अच्छी है, बैंक अच्छा है तो वो लोग उसी बैंक के पास जा रहे हैं बार बार मॉर्गेज लेने, या अपना घर रीफाइनेंस करा रहे हैं, या अपना घर होम इम्प्रूवमेंट के लिए ले रहे हैं। तो इससे एक तो कस्टमर्स को ये फायदा होगा, उनके दे कैन मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, बैंक्स को ये फायदा होगा कि बैंक्स जो हैं वो दे कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। फिर इक्वल क्रेडिट अपॉर्चुनिटी एक्ट ऑफ 1974 इंप्लीमेंटेड बाय रेगुलेशन बी रिक्वायर्स क्रेडिटर्स विच रेगुलरली एक्सटेंड क्रेडिट टू कस्टमर्स इंक्लूडिंग बैंक्स, रिटेलर्स, फाइनेंशियल कंपनीज एंड बैंक कार्ड कंपनीज टू एवेल्युएट कैंडिडेट्स ऑन क्रेडिट वर्दीनेस अलोन रादर देन अदर फैक्टर्स सच एज रेस, कलर, रिलीजन, नेशनल ऑरिजन, सेक्स, जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन मैरिटल स्टेटस, रिसीट ऑफ पब्लिक असिस्टेंट एंड एज इज जनरली प्रोहिबिटेड विद एक्सेप्शंस एंड इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स गुड फेथ एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर क्रेडिट प्रोटेक्शन राइट्स। कंज्यूमर, आई एम द कंज्यूमर, मेरे मेरे सर्टन राइट्स हैं और मेरी प्रोटेक्शन जो है वो सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है, इसलिए सेंट्रल बैंक ने एक और एक एक्ट जो है इंप्लीमेंट किया थ्रू रेगुलेशन बी विच इज कॉल्ड इक्वल क्रेडिट अपॉर्चुनिटी एक्ट। मैं अगर जो है एक सर्टन एज से बिलोंग रखता हूँ, मैं गोरा हूँ या काला हूँ, या मैं शादीशुदा हूँ या नहीं, या मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, या मैं और इस तरह की जितने अदर फैक्टर हैं, मेरा रिलीजन क्या है, मेरी नेशनैलिटी क्या है, इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे लोन लेने पे या बैंक के मुझे लोन देने पे। ये रेगुलेशन क्या कहती है, बैंक्स को लिमिट करती है, बैंक्स को प्रोहिबिट करती है कि वो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर मुझे लोन दें, मुझे अदर फैक्टर्स पे लोन नहीं देंगे। क्रेडिट वर्दीनेस क्या मतलब है कि
मुझे लोन देना है बैंक ने, तो बैंक ने ये देखना है कि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, मैं लोन वापस कर सकूंगा या नहीं, मेरी इनकम कितनी है, रादर देन कि मैं किस क्या मेरी नेशनलिटी है, मैं किस मुल्क से हूँ, मुझे जो है क्या कहते हैं मेरा कलर क्या है, मैं मेल हूँ फीमेल हूँ, मेरा अदर बैकग्राउंड्स क्या है, मैं किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ, कुछ भी हूँ मैं अगर अपना मेरी इनकम ठीक है, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक है, क्रेडिट रेटिंग ठीक है, तो मुझे लोन मिलना चाहिए, मेरा राइट है। और मेरा राइट कौन प्रोटेक्ट करता है? सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक। इक्वल क्रेडिट अपॉर्चुनिटी एक्ट इकुआ 1974 में इम्प्लीमेंट हुआ था और करेंटली थ्रू रेगुलेशन बी जो है ये प्रोहिबिट करता। देन द ट्रूथ इन लैंडिंग एक्ट, पहले हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखा था विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टमर डिपॉजिट्स, अब हम देख रहे हैं फॉर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लैंडिंग इन्वेस्ट। पहले हमने देखा था डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस की बात की थी, उनके ऊपर कौन कौन सी रेगुलेशंस, अब इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कौन कौन सी रेगुलेशंस हैं। द ट्रूथ इन लैंडिंग एक्ट टीला ऑफ 1968 इम्प्लीमेंटेड बाय रेगुलेशन जी प्रमोट्स द इन्फॉर्म्ड यूज ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट बाय स्टैंडर्डाइजिंग द डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड अदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद बॉरोइंग। क्या प्रमोट्स इन्फॉर्म्ड यूज ऑफ कस्टमर क्रेडिट बाय स्टैंडर्डाइजिंग द डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड अदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद बॉरोइंग। मैं एक कस्टमर हूँ, आप इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, मैंने आपसे लोन लेना है, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक या फेडरल रिजर्व बैंक ने ये रेगुलेशन है उसकी, उसने ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज कर दिया सारे प्रोसीजर को कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर, इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, उसके अलावा लोन लेने की और कॉस्ट क्या है, फीस क्या है, ये मेरा राइट है कि मुझे सारी बातें पता हूं ताकि मैं एक बेहतर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकूं कि मुझे लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या मैं लोन लेके फंस तो नहीं जाऊंगा, या मैं किस इन्वेस्टमेंट बैंक से किसके पास लोन लूं, कहां से लूं, किस इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के पास जाऊंगा। TILA ऑल्सो गिव्स कंज्यूमर्स द राइट टू कैंसिल सर्टन क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अ लियन और द कंज्यूमर्स प्रिंसिपल ड्वेलिंग, रेगुलेट सर्टन क्रेडिट कार्ड प्रैक्टिसेस एंड प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग क्रेडिट बिलिंग डिस्प्यूट्स। मैंने बैंक से क्रेडिट कार्ड ही लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड पे मैं लोन भी लेता हूँ, उसको मैं परचेजेस के लिए यूज़ भी करता हूँ, उसके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई होता है, स्पेसिफिकली बेस उसको ये प्रमोट भी करता है कि मेरे राइट्स जो हैं वो वॉयलेट ना हो, बैंक मुझे मैनिपुलेट ना करे, नॉट ओनली ऑन क्रेडिट कार्ड, मैं और कोई लोन लेता हूँ उसके अलावा क्रेडिट की प्रैक्टिसेस हैं, फिर क्रेडिट जितनी ट्रांजैक्शंस हैं जिसके अंदर एक लियन, जिसके अंदर कोई मेरे कोलेट्रल भी शामिल है, जिसके अगेंस्ट मैंने किसी कोलेट्रल के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को ये रेगुलेशन जी जो है रेगुलेट करती है, प्रोहिबिट करती है, और मेरे जो राइट्स हैं उनको मेक श्योर करती है। देन डेट कलेक्शन, द फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट FCRA ऑफ 1970 रेगुलेट्स द कलेक्शन शेयरिंग एंड यूज ऑफ कस्टमर क्रेडिट इंफॉर्मेशन। द एक्ट अलाउज कंज्यूमर टू ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर क्रेडिट रिपोर्ट फ्रॉम क्रेडिट ब्यूरोज दैट होल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन दैम, प्रोवाइड्स फॉर कंज्यूमर टू डिस्प्यूट नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हेल्ड एंड सेट्स टाइम लिमिट्स आफ्टर विच नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इज सप्रेस्ड। क्या है डेट कलेक्शन के लिए किस तरह से क्या प्रोसीजर है, क्या रेगुलेशन है? बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द फोरमोस्ट थिंग दैट इज बींग रेगुलेटेड बाय दिस स्टेट बैंक। उसके लिए एक और एक्ट है, फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट, जितने क्रेडिट ब्यूरोज हैं उनके लिए ये मैंडेटरी कर दिया स्टेट बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने, फेडरल रिजर्व ने, कि वो हर इंडिविजुअल की या इन्वेस्टर की सही क्रेडिट रेटिंग बताएंगे
बेशक वो पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग हो या नेगेटिव हो। कलेक्शन शेयरिंग एंड यूज ऑफ कस्टमर क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, ये एक्ट इसको देखता है। ऑब्टेन, और ना सिर्फ क्रेडिट ब्यूरो को कहा, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि वो सही क्रेडिट रेटिंग बताएंगे, बल्कि वो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स जो हैं, जो मेरी अगर इंडिविजुअल हूँ, मैं अपनी क्रेडिट रेटिंग चेक करना चाहता हूँ, तो मैं उनसे अपने क्रेडिट रेटिंग की एक कॉपी भी ऑब्टेन कर सकता हूँ। बैंक अगर मुझे लोन देना चाहता है, बैंक को भी वो इन्फॉर्म करेंगे। प्रोवाइड्स कंज्यूमर्स टू डिस्प्यूट नेगेटिव इंफॉर्मेशन हेल्ड एंड सेट्स टाइम लिमिट्स। अगर मुझे मेरी क्रेडिट रिपोर्ट नेगेटिव है और मुझे उस पर एतराज़ है कि ये गलत क्रेडिट रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, मैं कस्टमर हूँ, कंज्यूमर हूँ, मैं क्रेडिट ब्यूरो ने मेरी क्रेडिट रेटिंग की, उसने रेटिंग ठीक नहीं की, आई विल गो टू द क्रेडिट रेटिंग ब्यूरो, आई विल टेल देम कि आपने ये रेटिंग ठीक नहीं की। और क्रेडिट रेटिंग ब्यूरो क्या करेगा, मुझे एक टाइम लिमिट दे देगा, ठीक है आप यू हैव 3 मंथ्स या यू हैव 1 मंथ, 20 डेज, 20 डेज में ब्रिंग अस अ प्रूफ कि आप जो कह रहे हैं हमने जो एक चीज़ बीच में गलत डाली हुई है ये गलत है, आप उसको प्रूव कर दें, हम उसको रिमूव कर देते हैं। आफ्टर नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज सप्रेस्ड, हम आपकी नेगेटिव इंफॉर्मेशन ख़त्म कर देंगे, आपकी रेटिंग दोबारा री कर देंगे, ठीक कर देंगे, क्योंकि हमारा ये ख्याल है, हमारी इंफॉर्मेशन डेटा के मुताबिक आपकी क्रेडिट रेटिंग ये बनती है। लेकिन अगर आप कस्टमर, आपका ख्याल है कि क्रेडिट रेटिंग ठीक नहीं है, आप में हमसे कोई गलती हुई है या इसमें कोई इंफॉर्मेशन गलत है, आप हमें वो प्रूव कर दें, हम उस इंफॉर्मेशन को ठीक कर देते हैं, आपकी रेटिंग ठीक कर देते हैं। इट रिक्वायर्स दैट कंज्यूमर बी इन्फॉर्म्ड व्हेन नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज एडेड टू देयर क्रेडिट रिकॉर्ड्स एंड व्हेन एडवर्स एक्शन इज टेकन बेस्ड ऑन अ क्रेडिट रिपोर्ट। ये लॉ जो या रेगुलेशन जो है, इट रिक्वायर्स कि जब भी क्रेडिट रेटिंग की जाए, मेरी क्रेडिट रेटिंग चेक की जाए, अगर देर इज समथिंग नेगेटिव तो मुझे इन्फॉर्म किया जाए कि देर इज समथिंग नेगेटिव इन माई क्रेडिट रेटिंग्स, और एडवर्स एक्शन बेस्ड ऑन माई क्रेडिट रिपोर्ट कि अगर उस क्रेडिट रिपोर्ट की वजह से मुझे कोई लोन रिजेक्ट किया जा रहा है या कुछ भी, तो मुझे इन्फॉर्म किया जाए कि इस रिपोर्ट की वजह से मुझे जो है लोन नहीं दिया जा रहा, और मुझे लोन दिया जाए, इस रिपोर्ट को मैं, और मुझे टाइम दिया जाएगा एज अ कस्टमर कि अपनी वो इन्फॉर्मेशन ठीक कर लें। अगर इन्फॉर्मेशन हम जो है वो आई कैन प्रूव इट कि जी आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, तो वो क्रेडिट रेटिंग उसकी दोबारा से कस्टमर की रिवाइज करके दे, फिर वो पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो उस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को या उसको भेजी जाएगी। लेकिन जब भी कोई नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तो उस कंज्यूमर को, कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाएगा तुम्हारी ये रिपोर्ट है और इसकी वजह से तुम्हारा ये एडवर्स एक्शन हो रहा है। क्रेडिट कार्ड्स को कैसे सेंट्रल बैंक अब रेगुलेट करता है। प्रोविजन एड्रेसिंग क्रेडिट कार्ड प्रैक्टिसेस एम टू एनहांस प्रोटेक्शंस फॉर कंज्यूमर्स who use credit card and improve credit card disclosure under the Truth in Lending Act. जैसे हमने Truth in Lending Act पहले भी देखा था, TILA के नाम से, TILA. Provision addressing credit card practices aim to enhance protection for consumers who use credit card and improve credit card disclosure. क्रेडिट कार्ड जो लोग यूज करते हैं उसके लिए ट्रूथ इन लैंडिंग एक्ट के अंदर भी प्रोविजन रखी गई है, रेगुलेशन है कि बैंक्स की यह जिम्मेदारी है कि अगर वो क्रेडिट कार्ड देते हैं, क्रेडिट कार्ड पे लोन देते हैं, तो वो हर किस्म की डिस्क्लोजर करें, इन्फॉर्मेशन बताएं कि इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट है, इस पर इतने दिन पे इतना इंटरेस्ट होता है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन है, हम इस बेसिस पे, इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं और आप इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे इसको यूज करेंगे। प्लस बैंक्स विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्रीजिंग द रेट ऑन अ प्री एग्जिस्टिंग क्रेडिट। मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, कस्टमर हूँ बैंक का, क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, उस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट मैंने क्रेडिट भी लिया हुआ है, कंज्यूम किया हुआ है, मैंने आप शॉपिंग की हुई है या मैंने कैश लिया हुआ है। अब बैंक ने एज एग्जिस्टिंग जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर
इंटरेस्ट रेट था, बैंक उसी इंटरेस्ट रेट से मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं सकती अनटिल एंड अनलेस देर आर स्पेसिफिक लिमिटेड सर्कमस्टांसेस जिसमें बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज बैंक की जिम्मेदारी है कि वो उसी इंटरेस्ट पे मुझे इंटरेस्ट चार्ज करे, उसी जितनी जो मैंने लोन लिया वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करे उसी रेट पे जो कि पहले से मुझे बताया गया था, और ये कि मुझे एक सर्टन टाइम दिया जाए कि मैं अपना लोन पे ऑफ कर लूं। बैंक्स वुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम अप्लाइंग पेमेंट्स इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम इन अ मैनर दैट मैक्सिमाइजेस इंटरेस्ट चार्जेस। बैंक्स को इस बात से भी रेगुलेटर्स ने रोक दिया कि बैंक एक्सेस पेमेंट्स इन अ मैनर दैट मैक्सिमाइजेस इंटरेस्ट चार्जेस। बैंक कहे कि जी आपके ऊपर 1 लाख रुपया की आपने शॉपिंग या 1 लाख का आपने लोन लिया हुआ क्रेडिट कार्ड पे, आप मुझे 3 महीने के अंदर वापस करें, 3 महीने के अंदर मैंने वापस करना है, लेकिन 3 महीने में मुझे 3 महीने बाद एक पेमेंट करूं या 3 महीने की अलग अलग 3 पेमेंट्स करूं, वो पेमेंट्स बढ़ा दे ताकि मैं इंटरेस्ट भी ज़्यादा ज़्यादा मुझसे चार्ज कर सकें। तो इसलिए बैंक ने उसे प्रोहिबिट किया कि मैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट में से नहीं चार्ज कर सकता। बैंक वुड बी रिक्वायर्ड टू गिव कंज्यूमर्स द फुल बेनिफिट ऑफ डिस्काउंटेड प्रमोशनल रेट्स ऑन क्रेडिट कार्ड बाय अप्लाइंग पेमेंट्स इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम टू एनी हायर रेट हायर बैलेंस फर्स्ट एंड देन बाय प्रोवाइडिंग अ ग्रेस पीरियड फॉर परचेजेस वेयर द कंज्यूमर अदरवाइज वेल एलिजिबल। जो बात हमने पहले अभी डिस्कस की, बैंक्स आर लायबल टू गिव मी टाइम कि मैं अपनी क्रेडिट वापस कर सकूं, लोन वापस कर सकूं, जो मैंने परचेजेस की हुई हैं उसको मैं वापस कर सकूं, बैंक को पे ऑफ कर सकूं, प्लस इंटरेस्ट जो है बैंक को ये कहा गया है, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि बैंक मुझे प्रमोशनली कोई मुझे वो दे डिस्काउंटेड रेट दे ताकि मैं इजीली अपना लोन पे ऑफ कर सकूं, रादर देन कि मुझे ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे पर चढ़ाया जाए जो मैं पे भी ना कर सकूं और इंटरेस्ट भी ना दे सकूं और मैं लोन पेमेंट भी ना दे सकूं। बैंक मुझे फैसिलिटेट करे कि मैं अपना लोन वापस कर सकूं। बैंक्स वुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोजिंग इंटरेस्ट चार्जेस यूजिंग द टू साइकिल मैथड विच कम्प्यूट्स इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेज ऑन डिलेज इन बिलिंग साइकिल्स प्रिसीडिंग द मोस्ट रिसेंट बिलिंग साइकिल। बैंक्स को उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है कि वो इंटरेस्ट चार्जेस यूजिंग द टू साइकिल मैथड। टू साइकिल मैथड ये होता है कि आपने बैंक से बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आपने क्रेडिट कार्ड पे इस मंथ में नवंबर के मंथ में आपने 10,000 रुपये की शॉपिंग की, आपने भी वो पैसे पे ऑफ नहीं किए, दिसंबर में फिर आपने 10,000 की शॉपिंग कर ली, तो वो 10,000 की शॉपिंग पे पहले नवंबर पे आप अलग इंटरेस्ट लगा रहे हैं, 10,000 जो उसके ऊपर है उस पर अलग इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो रेगुलेटर जो है उसने बैंक्स को प्रोहिबिट कर दिया है कि अगर ये दिसंबर में ये बैलेंस 20,000 रुपया है तो वो 20,000 रुपये ही इंटरेस्ट लगाए रादर देन के 10,000 रुपये अलग, 10,000 रुपये अलग और अलग इंटरेस्ट रेट लगाए, इधर अलग इंटरेस्ट रेट लगाए। बैंक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कंज्यूमर रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू मेक पेमेंट्स। वही बात जो बार बार रिपीट हुई कि बैंक्स फैसिलिटेट करे कंज्यूमर को कि उसको आसानी दे के और टाइम दे दे बैंक के आप पेमेंट कर लें अपनी, ताकि मेक श्योर करे जो है कि कंज्यूमर जो है उसके राइट्स भी हर्ट ना हो और वो पेमेंट भी कर सके और उसको डिस्काउंटेड रेट भी ऑफर कर सकता है बैंक, तो वो भी करे ताकि वो इजीली अपना लोन पे ऑफ कर लें। लैंडिंग लिमिट अनदर रेगुलेशन बाय द सेंट्रल बैंक। लैंडिंग लिमिट रेगुलेट्स रिस्ट्रिक्ट्स द टोटल अमाउंट ऑफ लोन एंड क्रेडिट्स दैट अ बैंक में एक्सटेंड टू अ सिंगल बोरोर। रिस्ट्रिक्ट्स द टोटल अमाउंट ऑफ लोन एंड क्रेडिट दैट अ बैंक में एक्सटेंड टू अ सिंगल बोरोर। लैंडिंग लिमिट लगा दी कि एक बैंक एक सिंगल बोरोर या इंडिविजुअल को इतना लोन दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। पाकिस्तानी सिनेरियो में बात करें तो मैं इस वक्त चाहूँगा कि मैं बैंक के पास जाऊं और बैंक से 10 करोड़ रुपए मैं लोन ले लूं, लेकिन सेंट्रल बैंक ने अगर कोई रिस्ट्रिक्शन उसमें लेंडिंग लिमिट लगाई हुई है कि एक इंडिविजुअल है उसको 1 करोड़ से या 2 करोड़ ज़्यादा नहीं देना, तो बैंक कैन नॉट डू दिस। बैंक मुझे कहेगा जी सेंट्रल बैंक जो है स्टेट बैंक वो अलाउ ही नहीं करता, मैं आपको 2 करोड़ ज़्यादा लोन दे ही नहीं सकता। दिस रिस्ट्रिक्शन यूजली स्टार्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ बैंक कैपिटल और एसेट्स।
जितना बड़ा बैंक होगा, जितने उसके एसेट ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा उसके ऊपर लेवरेज होगी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की, और जितना छोटा बैंक होगा उसके उतनी कम होगा। बड़ा बैंक है वो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा बड़े लोन दे सकता है, छोटा बैंक है वो बड़े लोन नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, अ नेशनल बैंक जनरली मस्ट लिमिट इट्स टोटल आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड क्रेडिट टू एनी सिंगल बोरोअर नो मोर देन 15% ऑफ द बैंक टोटल कैपिटल एंड सरप्लस। बैंक है उसका जो टोटल एसेट्स हैं उसका वो 15% जो है सेंट्रल बैंक ने, रेगुलेटर ने उसे कह दिया तुम 15% से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकते, जो तुम्हारी टोटल वर्थ है, तुम्हारे टोटल कैपिटल एसेट है उसका तुम 15% दे सकते हो, ज़्यादा नहीं दे सकते। लोन टू इनसाइडर्स रेगुलेशन ओ, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, एस्टैब्लिशेस वेरियस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव लिमिट्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑन एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट मेड बाई अ बैंक टू इट्स इनसाइडर और द इनसाइडर ऑफ द बैंक एफिलियट्स। द टर्म इनसाइडर इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स एंड द रिलेटेड इंटरेस्ट ऑफ सच पार्टीज। मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ, मैं एक बैंक का वाइस प्रेजिडेंट हूँ, मैं खुद ही लोन लेना चाहता हूँ। सेंट्रल बैंक की रेगुलेशन है ओ, वो मुझे प्रोहिबिट करती है टू लिमिट करती है सर्टन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लिमिट्स मेरे पे लगाती है कि मैं इतना लोन ले सकता हूँ, इतने परसेंट इंटरेस्ट पे ले सकता हूँ, इतना लोन नहीं ले सकता, ये कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि आई एम द वन हु इज़ मैनेजिंग द बैंक, मेरे पास बैंक की सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी है, मैं बैंक का एफिलिएट भी हूँ। अगर मैं मैनिपुलेट करना चाहूँ, मैं जितना मर्जी जो भी लोन लेना चाहता हूँ, मैं बैंक का सारा डिपॉजिट उठा के घर क्यों ना ले जाऊँ। सो इसलिए स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक या फेडरल रिजर्व बैंक ने रेगुलेशन लगाई हैं, रेगुलेटर उसके ऊपर रेगुलेट करता है लोन टू इनसाइडर्स को। फेडरल रिजर्व बैंक की रेगुलेशन ओ है जो कि उसे डिस्क्राइब करती है कि इन लोन टू इनसाइडर्स जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म्स में लिमिटेड है। नाउ सेंट्रल बैंकिंग रेगुलेशन, अदर जो सेंट्रल बैंक की रेगुलेशन का एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय फेडरल रिजर्व बैंक, रेगुलेशन ए है। establishes rules regarding discount window lending and the extension of credit by the Federal Reserve Bank to banks and other institutions. Regarding discount window क्या है? अब interbank market है, banks आपस में एक दूसरे से loan लेते हैं, एक दूसरे को loan देते हैं, इसी तरह central bank है, central bank से भी banks सारे interact करते हैं, किसी bank को पैसे चाहिए, loan चाहिए, वो क्या करता है, central bank के पास जाता है, सेंट्रल बैंक से इधर डिस्काउंटेड रेट पे और एट अ सर्टेन प्रपोज इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो लोन लेता। द फेडरल रिजर्व बोर्ड मेड सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स टू रेगुलेशन ए इन 2003, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स टू प्राइस सर्टेन डिस्काउंट विंडो लैंडिंग एट अबव मार्केट रेट्स एंड टू रिस्ट्रिक्ट बोरोइंग टू बैंक्स इन जनरली साउंड कंडीशन। डिस्काउंट विंडो लैंडिंग क्या है कि बैंक्स को वो नॉर्मल जर्नल कंडीशंस के अंदर बैंक्स को वो लिमिट करता है कि वो सेंट्रल बैंक से लोन ना लें, अगर लोन लें ना पड़ जाए उन्हें तो वो एट अ हायर इंटरेस्ट रेट देगा, और वो बेसिकली प्रमोट करता है इंटर बैंक मार्केट को, एक के बैंक्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें और एक से लोन ले लें और एक को लोन दे दें इस तरह से। और इन एडवर्स कंडीशंस फिर सेंट्रल बैंक जो है वो उसके फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बैंक्स को लोन दे, अदरवाइज वो ये इस बात को लिमिट करता है, प्रोहिबिट करता है कि रेगुलेट करता है कि बैंक्स आपस में एक दूसरे से लोन ले रहा देन कमिंग टू द सेंट्रल बैंक। और अगर कोई सेंट्रल बैंक से लोन मांगता है थ्रू द डिस्काउंट विंडो तो उसे हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर पे इंटरेस्ट देते हैं। रेगुलेशन ऑफ बैंक एफिलियट्स एंड होल्डिंग कंपनीज, ये भी जो सेंट्रल बैंक का एक और रेगुलेटरी सुपरवाइजरी उसका जो है रोल है कि वो बैंक की जो एफिलियट्स हैं या उसकी जो होल्डिंग कंपनीज हैं जो पोजेस्ड बाय द बैंक्स हैं उनको भी रेगुलेट करे। उनको कैसे रेगुलेट करता है? ट्रांजैक्शन बिटवीन मेंबर बैंक्स एंड देयर एफिलिएट्स, रेगुलेशन डब्ल्यू ये कहती है रेगुलेट्स ट्रांजैक्शन सच एज लोन एंड एसेट परचेजेस ओवर बिटवीन बैंक्स एंड देयर एफिलिएट्स।
रेगुलेशन डब्ल्यू उसको भी रेगुलेट करती है कि उनके आपस में लोन्स एंड एसेट्स की सेल परचेज और उनकी जो ट्रांसफर है उसको रेगुलेशन डब्ल्यू जो है वो रेगुलेट करती है. देन द टर्म एफिलिएट इज ब्रॉडली डिफाइंड एंड इंक्लूड्स पेरेंट कंपनीज, कंपनीज दैट शेयर अ पेरेंट कंपनी विद द बैंक, पेरेंट कंपनीज दैट आर अंडर अदर टाइप्स ऑफ कॉमन कंट्रोल विद द बैंक. फॉर एग्जाम्पल अ ट्रस्ट, एक बैंक है उसने एक ट्रस्ट खोला हुआ है, एक बैंक है जिसने एक कंपनी खोली हुई है, तो वो आपस में एफिलिएट उसको कहते हैं जो कि उससे एसोसिएट होती है, जिसका पेरेंट या तो बैंक होगा या कंपनी है उसके, वो पेरेंट है और बैंक उसका एफिलिएट है. कंपनीज विद इंटरलॉकिंग डायरेक्टर्स आर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ट्रस्टीज आर द सेम एज द मेजोरिटी ऑफ द बैंक सब्सिडरीज एंड सर्टन टाइप्स ऑफ कंपनीज. अब जिस तरह कंपनी है पेरेंट कंपनी उसका बैंक है, तो जो बैंक का प्रेसिडेंट है वो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर भी होगा, और भी एम्प्लॉयज बैंक के जो हैं वो आपस में एक दूसरे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रहे होंगे. नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, लेट्स क्विकली समराइज व्हाट वी हैव लर्न्ड, व्हाट नॉलेज वी हैव गेन्ड इन दिस सेशन. टाइप्स ऑफ बैंक रेगुलेशंस देखिए, हमने 11 टाइप्स ऑफ प्रोविजंस देखी जो कि सेंट्रल बैंक के पास प्रोविजंस होती हैं, जो कि वो रेगुलेट एज बीइंग अ रेगुलेटर वो एक्सरसाइज करता है ऑन द बैंक्स. फिर हमने देखा प्राइवेसी रेगुलेशंस क्या क्या हैं, और उसके बाद फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या एंटी टेररिज्म इन द रिसेंट ईयर्स ये रेगुलेशंस कौन कौन सी हैं जो कि सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज करता है. फिर कम्युनिटी री इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन को हमने डिटेल्ड में देखा, डिपॉजिट अकाउंट रेगुलेशंस देखी, डिपॉजिट इंश्योरेंस रेगुलेशन देखी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखी हमने पहले सारे डिपॉजिट डिपॉजिटरी व्यू से देखा हमने सारा, फिर विड्रॉल लिमिट्स एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स देखी, फिर इंटरेस्ट ऑन डिमांड डिपॉजिट्स देखे उसको कैसे सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, फिर हमने लैंडिंग रेगुलेशंस देखी जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हमने लैंडिंग के ओवरव्यू से देखा डेट कलेक्शन, क्रेडिट कार्ड्स, लैंडिंग लिमिट जो है सेंट्रल बैंक कैसे एक्सरसाइज करता है ऑन द लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर किस तरह से रेगुलेशंस इंप्लीमेंट होती हैं. फाइनली अदर सेंट्रल बैंक की रेगुलेशंस क्या हैं, सेंट्रल बैंक और क्या क्या पावर्स एक्सरसाइज करता है ऑन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे. फिर लास्टली हमने देखा रेगुलेशन ऑफ बैंक एफिलिएट्स एंड होल्डिंग कंपनीज. इसमें हमने दो चीज़ें देखी, एक पेरेंट एक एफिलिएट देखा. कंपनीज हैं जो कि एक बैंक को ओन करती हैं, तो कंपनी पेरेंट है, बैंक उसका एफिलिएट है. इसी तरह बैंक है जो डिफरेंट कंपनीज को होल्ड करता है, बैंक पेरेंट है, कंपनीज एफिलिएट्स हैं, तो इसका आपस में रिलेशनशिप, इनकी आपस में ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट्स, ये सारे भी सेंट्रल बैंक जो है एक तो लिमिट भी करता है प्लस रेगुलेट भी करता है, इनको भी सुपरवाइज सेंट्रल बैंक ही करता है, इस सेंट्रल बैंक की ज्यूरिसडिक्शन में ही रोल में ये सारी चीजें आती हैं. सो दिस इज नाउ द एंड ऑफ दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच.